देख रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ गॉड जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। मतलब कि आप इक्वेशन ऑफ गॉड निकालनी है कि टू पॉइंट्स को जॉइन करके। फॉर एग्जांपल पैरामेट्रिक फॉर्म हमने ले ली, हमारे पास गिवन नहीं है तो हमने क्या ले लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म ले ली। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या थी, ए टी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए टी। तो एक पी पॉइंट मान लेते हैं हम ए टी वन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए टी वन। क्यू पॉइंट मान लिया हमने ए टी टू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए टी टू। मतलब एक पैराबोला बन गया, कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। एक पी पॉइंट मान लिया और एक क्यू पॉइंट मान लिया, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट आ गए। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है तो वो स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्या, कि टू पॉइंट्स हमारे पास गिवन हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे आती है, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन क्या है यहाँ पर, टू ए टी वन, ये हो गया हमारा स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड में एक्स टू माइनस एक्स वन, मल्टीप्लाई में एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन क्या था हमारे पास, ट्वाइस ए टी वन का स्क्वायर। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन ये बन के आएगी। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कब हुई, जब हमारे पास टू पॉइंट्स आए या नहीं है तो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म की हेल्प से ले लिया। इसमें कंडीशन आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है, कंडीशन फॉर द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग पैरामीटर्स टी वन एंड टी टू टू बी अ फोकल कॉर्ड। मतलब कि जो भी पॉइंट आपने लिया है अभी पी और क्यू, ये जो फोकल कॉर्ड है, जो कॉर्ड है ये कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, ये जो लाइन है कॉर्ड की ये कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। फोकस हम मान लेते हैं ये कि ए कॉमा जीरो। ये जो लाइन निकाल ली आपने कॉर्ड की इक्वेशन, पी क्यू की इक्वेशन निकाल ली आपने, अभी कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। फोकस मतलब ए कॉमा जीरो से पास कर रही है। तो मतलब ये ए कॉमा जीरो को लाइन सेटिस्फाई करेगी। फोकस पॉइंट हमने क्या लिया, ए कॉमा जीरो, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स के अकॉर्डिंग। तो ये ए कॉमा जीरो को सेटिस्फाई करेगी। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो क्या इक्वेशन बननी चाहिए, तो ये तो जीरो हो गया और ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ ए प्लस टू ए टी वन टी टू। तो टू ए कॉमन आके हट गया तो टी वन टी टू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन के इक्वलेंट आ गई। तो एक रिलेशन हमको ध्यान रखना है कि टी वन टी टू इक्वल टू माइनस वन कब हो रहा है, कि जब जो कॉर्ड हम निकाल रहे हैं वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी टू इक्वल टू माइनस वन बाय टी वन, या फिर टी वन इक्वल टू माइनस वन बाय टी टू। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जैसे कि एक कंडीशन और देखनी है हमको, इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड, मतलब फोकल कॉर्ड का एक एंड तो आपको पता है, वो दे रखा है आपको ए टी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए टी। तो अदर एंड क्या होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं जब कब, अगर उसने कंडीशन बोली है फोकल कॉर्ड, अगर फोकल कॉर्ड नहीं बोला तो दूसरा कंडीशन हम किस फॉर्म में निकालेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में लेंगे। ये कब लेंगे, जब फोकल कॉर्ड उसने बोल रखा है कि फोकल कॉर्ड का एक पॉइंट तो हमें दे रखा है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो इस रिलेशन को यूज करते हुए हम दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, कि अब ये पॉइंट है, जैसे कि हमने ले लिया टी टू की जगह क्या ले लिया, माइनस वन बाय टी वन। तो पहला पॉइंट हो गया ए टी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए टी, ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट के लिए, जैसे टी वन, ये तो कंडीशन आ गई हमारे पास, अब सेकंड के लिए टी टू के लिए, टी टू की जगह मेरे को क्या पुट करना है, टी टू की जगह पुट करना है माइनस वन बाय टी वन। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या इक्वेशन आएगी, ए बाय टी टू का, ए बाय टी का स्क्वायर, क्योंकि अपने पास कंडीशन क्या है, टी है, और यहाँ टी टू की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस टू ए बाय टू ए टी। मतलब अपने कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ से हम कंडीशन ले लें टी टू की जगह क्या पुट कर दिया, ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, जब ही जगह ये फॉर्म निकल के आ रही है, ये हमारा एंड निकल के आ गया। इसमें थोड़ा गलत हो गया, ये आएगा टी माइनस टू ए बाय टी। जब हमने ये वाला पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है और सेकंड पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं, अगर वो फोकल कॉर्ड से पास हो रहा है, मतलब फोकस से पास हो रहा है, तो टी टू की जगह, टी टू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस वन बाय टी वन पुट कर देंगे, तो हमारा पॉइंट ये निकल के आ जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन है अपने पास, अ पैराबोला हैज द ओरिजिन एज इट फोकस एंड द लाइन एक्स इक्वल टू टू एज द डायरेक्ट्रिक्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या होगा इसका, वो हमें निकालना है। ये जेई का क्वेश्चन आया हुआ है हमने। तो अब ये वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कैसे निकल रहा है, तो पैराबोला पे ओरिजिन, अब कंडीशन है अपन मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये पैराबोला है जिसमें फोकस हमारे पास, फोकस क्या है, ओरिजिन हो गया, फोकस हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो ये हो गया जीरो कॉमा जीरो,
ये फोकस हो गया हमारा, ये वर्टेक्स हो गया, और डायटिस क्या है ये हमें मान लेते हैं, डायटिस हो गई एक्स इक्वल टू टू, मतलब कि ये जो पॉइंट आ गया अपने पास 2,0 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो वर्टेक्स कैसे निकलेगा अपने पास, तो वर्टेक्स हमको पता है कि वर्टेक्स क्या होता है, डायटिस और फोकस का मिड पॉइंट होता है। तो वर्टेक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि 2 + 0 डिवाइड बाई 2, ये तो कितना आ गया 1, और 0 + 0 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया 0। तो वर्टेक्स पॉइंट हमारा क्या निकल के आ गया 1,0, क्योंकि वर्टेक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है फोकस का और डायरेक्ट्रिक्स का। नेक्स्ट में वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर प्लस 2y + x = 0 लाइज इन द क्वाड्रेंट, मतलब कि इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम कैसे निकाल रहे हैं, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं अपन, तो वाई स्क्वायर इन फॉर्म है, तो क्वाड्रेंट इक्वेशन किसकी है, वाई की है, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर या तो 4ax बन रहा है पैराबोला, या फिर माइनस का 4ax बन रहा है। तो इसको कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं, कैसे, जैसे वाई स्क्वायर ये 2y है हमारे पास, इसको किया 2 से डिवाइड, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, y वाली टर्म लेके, ये वाली टर्म लेके, तो बन गया हमारे पास y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये टर्म उधर चल जाएगी, तो ये बन गया x 1 - x के अकॉर्डिंग बन गया। और इसको हम क्या ले सकते हैं, x हमारे पास पॉजिटिव में रहना चाहिए, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स हम जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको एक काम करते हैं, इसको हम कैपिटल वाई एज्यूम कर लेते हैं और इसको कैपिटल एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आ रही है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एक्स। तो वर्टेक्स हम क्या लेते हैं, जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हमारा पैराबोला इस टाइप से होता है, तो वर्टेक्स क्या हुआ, 0,0 हुआ, जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या माइनस 4x इक्वेशन रही। तो अब इसको हम वाई को 0 के इक्विवेलेंट रखते हैं, तो वाई को 0 के इक्विवेलेंट रखा, तो यहाँ से वाई है क्या, एक्चुअल में वाई है वाई प्लस 1 = 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब उधर से एक्स को 0 रखते हैं, एक्स को 0 रखा, तो इधर से एक्स एक्चुअल में है क्या, एक्स -1 = 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये पॉइंट हमारे पे क्या निकल के आया, 1,-1, 1,-1, मतलब एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मतलब वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इस इक्वेशन का, ये पैराबोला की इक्वेशन है, लाइज इन द क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो किस टाइप से निकाला, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज करने के बाद इसको कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स मान लिया स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, फिर 0 के इक्विवेलेंट करके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। और इसमें क्या है, द टू पैराबोलास x² = 4y और y² = 4x मीट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में मिल रहा है, जिसमें से एक पॉइंट तो ओरिजिन है और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा कैसे होगा कि अब ये दो पैराबोला मिल रहा है, तो एक तो हमारा पैराबोला कैसे बन के आ रहा है, तो एक तो बन गया x² = 4ay, मतलब एक तो इस टाइप से जा रहा है और एक जा रहा है इस टाइप से। तो एक पॉइंट तो हमको मिल गया क्या, ओरिजिन मिल गया, तो दूसरा पॉइंट कैसे निकलेगा, अब ये निकल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट या दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, कर्व को कंपेयर करके, जैसे कि x² = 4y है और y² = 4x है, तो इसकी वैल्यू अब जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जैसे कि x की वैल्यू या तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें या फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो कैसे निकल के आएगा, जैसे कि y की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x² = 4, और ये आ जाएगा अपन रूट में लगाते हैं 4x, तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही है 4 निकल के आ रही है। जब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो किसी भी इक्वेशन में हम पुट करते हैं, जैसे कि x² = 4y, तो यहाँ पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 = 4y, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 4, y की वैल्यू भी क्या आ गई, 4।
फोर अगेन, तो ये पॉइंट क्या आया हमारे पास, फोर कॉमा